मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण हम लोग लेते आए हैं। रिवीजन के तौर पर कई बार प्रशिक्षण होते हैं, तो एक सरसरी निगाह मतदान के एक दिन पूर्व से लेकर के और मतदान के दिन तक हम लोग क्या क्या करते हैं, एक अनुभव अपना कि जब भी जरूरत हो एक बार रिवीजन कर लें। इसके लिए मैंने सोचा कि एक विहंगम दृष्टि डालें चुनाव प्रक्रिया पर, ईवीएम की तैयारी पर, और जितने मतदान प्रपत्र भरे जाते हैं उस पर नजर डालें कि ईवीएम की तैयारी कैसे की जाती है, क्या सावधानियां रहती हैं, उस समय कौन कौन से प्रपत्र भरे जाते हैं, ताकि हम समय के अनुसार भर लें और मतदान की समाप्ति के बाद उसको अच्छा से जमा कर लें। तो मतदान के एक दिन पूर्व जब हम लोग सामग्री रिसीव करते हैं तो एक चेकलिस्ट होती है, उसमें से हम लोगों को सामग्री मिलानी पड़ती है। सामग्री क्या क्या है, एक चेकलिस्ट है, उसमें से हम लोग टिक लगा लेते हैं कि ये सामग्री सब है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें जो मिलाना पड़ता है, उसकी सूची रहती है, उससे सब मिलान करके संतुष्ट हम लोग हो लेते हैं, सभी मतदान पदाधिकारी, प्रिजाइडिंग अफसर, एक टीम भावना के तहत काम करते हैं, सब मिला करके अपना आश्वस्त हो लेते हैं। इसके बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। तो सामग्री मिलाने के दौरान ही हम लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि कई तरह के लिफाफे होते हैं जिन्हें हम पहले से ही चयनित करके अलग कर लेते हैं। एक जो स्टेच्यूटरी पैकेट होता है, एक नॉन स्टेच्यूटरी, सांविधिक और असंविधिक कहते हैं। इसमें मतदान के दिन थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसलिए हम लोग पहले से ही करते आए हैं कि जो सांविधिक पैकेट है स्टेच्यूटरी का, उसके लिए हम लोग अलग से लिफाफे एक जगह कर लेते हैं, एक रबर लगा के रख लेते हैं, उसमें 5 लिफाफे होते हैं, और असंविधिक के अलग कर लेते हैं ताकि मतदान के दिन भी वो जो उसमें भरने रहते हैं उसको हम लोग अलग अलग करके रखे रहते हैं, जल्दीबाजी में इधर उधर नहीं होने की संभावना होती है। तो लिफाफे कौन कौन अलग करते हैं उस पर पहले नजर डालते हैं कि सांविधिक पैकेट के अंतर्गत कौन कौन लिफाफे होते हैं। जो उसमें अति महत्वपूर्ण चीज है सांविधिक लिफाफे के अंतर्गत, उसमें है कि हम याद रखते हैं ऐसे कि जो प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास है, जो द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास है, वोटर से संबंधित जो चीजें हैं वो है सांविधिक पैकेट के अंदर। जैसे वोटर जब आते हैं तो वो जो वर्किंग कॉपी है, जो निर्वाचक जो प्रति है, चिन्हित प्रति जिसको कहते हैं, मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, वो है पहला लिफाफा, सील करते हैं उसको, और मार्क्ड कॉपी जिसको कहते हैं उसको हम इस पर रखते हैं, चिन्हित प्रति जिसको कहते हैं, सांविधिक लिफाफे के अंतर्गत रहता है क्योंकि वोटर से संबंधित उस पर प्रथम मतदान पदाधिकारी चिन्हित करते हैं। दूसरा चीज है उसमें द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास जो 17A का रजिस्टर रहता है, जिसमें मतदाताओं की प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं, क्रम संख्या, नाम, पहचान के पत्र या जो उसके डिजिट नोट करने हो, तो 17A मतदाता रजिस्टर जिसको कहते हैं, उसको भी इसमें रखते हैं।
वोटर से ही संबंधित मतदाता पर्ची होती है जो द्वितीय मतदान पदाधिकारी उसको काट करके देते हैं, तो मतदाता पर्ची भी इसमें लिफाफा जो है वोटर स्लिप का एक लिफाफा स्लिप ये स्टेच्यूटरी पॉकेट में रहता है। चौथा लिफाफा होता है वोटर से संबंधित सब है, इसलिए याद है कि वोट देने आते हैं तो चिन्हित करते हैं, चिन्हित प्रति में वो वोटर से संबंधित है इसलिए उसको रखे हैं इसमें। 17 में मतदाता रजिस्ट्रेशन मतदाताओं की प्रविष्टि होती है इसलिए इसको सांविधिक पैकेट में रखते हैं। मतदाता पर्ची है ये भी काउंटिंग के समय एक संख्या बताती है कितने वोटर्स ने वोट दिया। 17 ये भी बताता है कि कितने वोटर्स ने वोट दिया, ये मार्क कॉपी से भी पता चलता है कि कितने मतदाताओं ने वोट किया। तो ये सब एक तरह की चीजें हैं जिसे हम मिलान कर सकते हैं। एक और वोटर से संबंधित है जिसे हम टेंडर वोट कहते हैं, निविदत निविदत मत पत्र एवं उन मतदाताओं की सूची, मतदाताओं की सूची टेंडर यदि किसी ने किया टेंडर वोट तो बैलेट पेपर अलग से रहता है उस पर हम लोग वोट कराते हैं और उन मत पत्रों को एक सील्ड लिफाफे में रख करके और उनकी एक सूची होती है 17 जिसको कहते हैं, वो लिफाफा भी सांवैधानिक पैकेट के अंतर्गत आता है। पांचवा है अप्रयुक्त निगदित मत पत्र, 20 टेंडर बैलेट पेपर मिलते हैं उसके लिए एरो क्रॉस जिससे पहले वोट बैलेट पेपर से कराते थे उस तरह का प्रावधान है उसमें। तो जो बच गए या यदि कोई नहीं आया टेंडर वोट के लिए, टेंडर वोट ये है कोई मतदाता आता है और प्रथम मतदान पदाधिकारी देखते हैं कि उसके स्थान पर दूसरे ने मत कर दिया है, वोट दे दिया है, तो और यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि नहीं वास्तव में इसने वोट नहीं किया है, इसके नाम पर कोई दूसरा वोट दिया या जो भी हुआ, तो उसको प्रिजाइडिंग अफसर अपना एक टेंडर बैलेट बैलेट पेपर इशू करते हैं वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के और जो एक एरो मार्क रहता है उससे निशान लगा के और प्रिजाइडिंग अफसर को दे देते हैं। यदि नहीं ऐसा हुआ तो 20 बैलेट रहते हैं वो बैलेट अप्रयुक्त बैलेट पेपर जो है उसको हम एक लिफाफे में सील लिफाफे में करके और इसी पैकेट में रखते हैं स्टेच्यूटरी पॉकेट में। अप्रयुक्त अनयूज्ड जो है बैलेट पेपर निविदित मत पत्र कि 5 लिफाफे हुए जो सील्ड रहते हैं इनको हम लोग स्टेच्यूटरी पॉकेट में डालते हैं। इसको हम लोग पहले ही एक जगह करके रख लेते हैं लिफाफे के ऊपर जो भी लिखना हो, विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ का नाम, नंबर या प्रिंटेड है तो केवल उसमें भर देते हैं। लिफाफे के ऊपर वो जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क है, प्रभेदक चिन्ह, सुभिन्नक चिन्ह जिसको कहा जाता है, उसको भी लगाते रहते हैं, लिफाफे पर भी लगाते हैं, अन्य जो प्रपत्र होते हैं उस पर भी लगा देते हैं क्योंकि उससे बूथ नंबर और विधानसभा पता चल जाता है देखते ही। तो ये 5 जो लिफाफे हैं अति महत्वपूर्ण इनको हम एक जगह करके पहले ही से रखते हैं, इसको जमा करते समय कोई परेशानी ना हो तो लिफाफा कहाँ है, ये लिफाफा कहाँ है, इसलिए एक दिन पूर्व ही हम लोग रबर में लगा के रख लेते थे, ये अपना अनुभव बता रहे हैं। असंविधिक जो लिफाफे हैं उनको भी हम लोग
अलग करके रख लेते हैं, 11 लिफाफे होते हैं असंविधिक। वो असंविधिक लिफाफे हैं कौन कौन, जैसे अदर वोटर लिस्ट, चिन्हित प्रति के अलावे जो अन्य वोटर लिस्ट है वो है असंविधिक पैकेट में डालते हैं उसको। मतदाताओं का जो नियुक्ति पत्र है, एजेंट अपॉइंटमेंट लेटर जो है, उसको हम लोग असंविधिक में डाल देते हैं। ईडीसी प्रमाण पत्र यदि कोई है 12B में, उसको भी हम लोग असंविधिक पैकेट में डालते हैं। दूसरा पैकेट कौन हुआ, असंविधिक नॉन स्टेचुटरी, पहला पैकेट हरे रंग का, दूसरा पीले रंग का, तो उसमें हम लोग 11 लिफाफे गिन के रखते हैं। सूची है 11 लिफाफे की, उसको एक रबर लगा के रखते हैं और जो जो चीजें हैं बताई जाती हैं उसमें वो लगा के रख लिया जाता है। चैलेंज वोट की सूची है, चैलेंज वोट यदि कोई अध्याक्षेपित आता है, कोई चैलेंज किया कि नहीं वो वोटर नहीं है ये, यदि सही साबित हो जाता है तो वोट देने नहीं देते हैं, और यदि वो साबित कर देते हैं कि नहीं हम वही मतदाता हैं जो वोट देने के लिए आए हैं, तो उनको वोट के लिए अलाउ किया जाता है। तो अध्याक्षेपित मतों की जो सूची होती है उनका जो लिफाफा है चैलेंज वोट की सूची, प्रारूप 14 असंविधिक में डालते हैं। 14A दृष्टिहीन एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची है, 14A और साथियों का घोषणा है, दृष्टिहीन और अशक्त जो मतदाता है उनके साथ जो हेल्पर आते हैं सहायता करने के लिए वो भी घोषणा करते हैं, वो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए, और उनके द्वारा ये भी घोषणा की जाती है कि मैं एक मतदाता के अलावा किसी दूसरे के साथ सहायता के लिए नहीं गए हैं। तो घोषणा पत्र और वो जो सूची है वो भी हम इस पैकेट में डालते हैं। आयु संबंधी घोषणा, कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में नाम तो है, 18 साल उम्र भी लिखा हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसर को ये आशंका होती है कि नहीं उम्र 15 साल है, तो उनको वोट देने दिया जाता है लेकिन एक घोषणा फरमा दी जाती है। तो आयु संबंधी जो घोषणा का प्रपत्र है वो नॉन स्टेचुटरी में जाता है। अनयूज पेपर सील, तीन तरह के ये जो सील होते हैं, जो अप्रयुक्त पेपर सील है वो इसमें चला जाता है, या जो शेष बच गया है पेपर सील वो नॉन स्टेचुटरी में जाता है। अप्रयुक्त जो स्ट्रिप सील है या क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील है वो नॉन स्टेचुटरी में जाता है। अप्रयुक्त स्पेशल टैग है या क्षतिग्रस्त पेपर स्पेशल टैग है वो नॉन स्टेचुटरी में जाता है। तो इस तरह से 11 ऐसे लिफाफे हुए जो नॉन स्टेचुटरी में जाते हैं। चिन्हित प्रति के अलावे अन्य वोटर लिस्ट, मतदान अभिकर्ताओं का नियुक्ति पत्र, ईडीसी प्रमाण पत्र, अभ्याक्षेपित मतों की सूची, दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथियों का घोषणा, आयु संबंधी घोषणा, चैलेंज पुस्तिका एवं रास जो भी हो, अनयूज्ड पेपर सील, अनयूज्ड वोटर स्लिप, वोटर स्लिप जो यूज्ड हुआ वो स्टेचुटरी में, अनयूज्ड जो वोटर स्लिप रहा अप्रयुक्त मतदाता पर्ची वो नॉन स्टेचुटरी में, अनयूज्ड स्पेशल टैग, अनयूज्ड स्ट्रिप सील, सब नॉन स्टेचुटरी में। 11 लिफाफे गिनती के हैं, इसकी सूची हम देख करके अलग पैकेट बना के रख लेते हैं जमा करने के लिए। तीसरा पैकेट है, चौथा पैकेट है, चार पैकेट अलग अलग बनाए जाते हैं, उसकी एक सूची है, उसके अनुसार हम लोग पैकेट बना लेते हैं। ये अब एक हम लोग ये साफ फिगर कर लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से चार पैकेट बनाने रहते हैं। एक दिन पूर्व ही हम लोग रात को वहां जहां मतदान केंद्र पर ठहरना होता है ये सब क्लियर फिगर कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, कल क्या करना है। अगले दिन ये प्रिजाइडिंग अफसर की टीम को, प्रिजाइडिंग अफसर को सुनिश्चित कर लेना होता है तो मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कोई पोस्टर या कार्यालय नहीं लगा हो। इसके बाद वो जो सूची रहती है अभ्यर्थियों की सूची या जो भी नोटिस है उसको चिपकाते हैं हम लोग।
एजेंट को चूंकि पता होता है, जो पोलिंग एजेंट है उनके अभ्यर्थियों से या इलेक्शन एजेंट से पता रहता है कि कितने बजे मतदान शुरू होना है, उनको ये पता है कि 1 घंटा या 75 मिनट जो भी निर्धारित हो, मॉक पोल निर्धारित होता है, मॉक पोल संचालित किया जाता है, तो उस समय वे आ ही जाते हैं। यदि कोई पोलिंग एजेंट नहीं भी आया तो 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद हम अपना मॉक पोल कंडक्ट शुरू कर देते हैं, जो हमारे पोलिंग अफसर हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर यदि कोई है तो शुरू करते हैं। इसका मेंशन भी किया जाता है कि कौन कौन से एजेंट उपस्थित थे मॉक पोल के समय, कौन उपस्थित नहीं थे, कौन विलंब से आए। इस तरह से हम लोग मॉक पोल कंडक्शन का काम शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोगों को ईवीएम की तैयारी करनी पड़ती है। ईवीएम की तैयारी में अब तक हम लोग करते हैं ऐसे कि एक वोटिंग कंपार्टमेंट रहता है, प्रवेश निकास के जो दरवाजे हैं दो, अधिकतर क्लॉकवाइज में प्रवेश के समय एजेंट लोगों को बैठाया रहता है कि जो आए वोटर उनका चेहरा वो स्पष्ट देख सकें। पोलिंग अफसर भी बैठे रहते हैं। वो सीटिंग अरेंजमेंट है, फिगर बना के भी दिखाया जा सकता है। एक टेबल यहाँ प्रिजाइडिंग अफसर का होता है, जहां तृतीय मतदान प्राधिकारी भी कंट्रोल यूनिट का प्राधिकारी होता है रहता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में हम लोग बैलेट यूनिट और वीवीपैट जो है उसको रखते हैं। बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में वीवीपैट को रखते हैं, क्योंकि कोई वोटर यदि वोट रिकॉर्ड करता है अपना, तो बैलेट यूनिट में अपना वोट रिकॉर्ड करेगा और वीवीपैट में पर्ची देखेगा। इस सुनिश्चित होने के लिए वीवीपैट वोटर्स वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वोटर को वेरीफाई करने के लिए है कि जिस अभ्यर्थी को मैंने वोट दिया उसी को वोट रिकॉर्ड हुआ है मशीन में। एक पारदर्शिता के लिए है, उस पर क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह इस सब रहता है। पर्ची देकर के वोटर आश्वस्त हो लेता है। ये प्रचार प्रसार भी किया जाता है, वोटरों को मतदाताओं को बताया जाता है कि जिसको आपने वोट कास्ट किया, जिसको आपने वोट दिया, वही पर्ची इसमें आ रही है, वो देख करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं ताकि कोई किसी तरह का आक्षेप बाद में ना हो। तो हम लोग ईवीएम की तैयारी करते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट में रख देते हैं बैलेट यूनिट और वीवीपैट इसके बाई ओर। इसके बाद वहां से प्रिजाइडिंग अफसर के टेबल पर कंट्रोल यूनिट को रखा जाता है, क्योंकि इस बार बीएसटी नहीं है, M3 मॉडल की मशीन है। सारा मैसेज सूचना कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बोर्ड पर आ जाता है, तो कंट्रोल यूनिट से ही सब कनेक्टेड है। अक्रम वही रहता है जुड़ने का। वहां जब हम बैलेट यूनिट रखे, बैलेट यूनिट के केबल को हम लोग जोड़ते हैं वीवीपैट से। यहां वीवीपैट है बगल में। जोड़ते समय हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली हम लोग देखे हैं कि केबल जो है उसमें लाल और काले रंग के पिन होते हैं, 9 पिन। तो वीवीपैट के सॉकेट में बैलेट यूनिट का जो केबल है उसको जोड़ते हैं। पीछे दिया गया है उसका भाग कहाँ जोड़ा जाता है वीवीपैट के पीछे। वीयू का हम लोग कनेक्शन करते हैं वीवीपैट से, और वीवीपैट का जो केबल है उसका कनेक्शन हम लोग करते हैं यहाँ जो सीयू है उससे, प्रिजाइडिंग अफसर के पास, प्रिजाइडिंग अफसर के टेबल पर सीयू से कनेक्शन करते हैं वीवीपैट का। ये हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट है, वोटिंग कंपार्टमेंट है हमारा। हम याद रखें बीवीसी बैलेट यूनिट का कनेक्शन वीवीपैट से, वीवीपैट का कनेक्शन सीयू से, कंट्रोल यूनिट से। अब यदि ये होता है कि बैलेट यूनिट 16 अभ्यर्थियों के लिए ही है एक बैलेट यूनिट, उस पर एक का स्विच को रहता है नेल भी, सीरियल नंबर एक लिखा रहता है 01। यदि 16 से नोटा सही 16 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं दूसरा बैलेट यूनिट लगता है,
उसके केबल को हम बैलेट यूनिट के पीछे जो दिया रहता है सैकेट उसमें कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं हम। तीसरे की जरूरत पड़ी तो उसके केबल को बैलेट यूनिट टू में, टू वो वन में ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। अब यदि इस तरह से बढ़ते चले जाए, प्रैक्टिकली उतना नहीं होता है, इतना है हम लोग समझते हैं, चाहे जितना भी बैलेट यूनिट लगे उसी तरह से जुड़ते चले जाते हैं, प्रक्रिया एक ही। बैटरी पांचवे में, फिर नौवे में, तेरहवें में, सत्रहवें में लगे, एक अलग बात है। तो हम लोग इस तरह से जब रख लेते हैं, पोलिंग एजेंट है तो पोलिंग अफसर माइक्रो ऑब्जर्वर लोग भी है, उनको हम लोग इस तरह से करके और कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले एक सावधानी रहती है कि वीवीपैट के पीछे वर्किंग मोड में करते हैं तो जो स्विच है जिसको ऑन करेंगे तभी पर्ची गिरेगी। मान लीजिए भूलवश कोई कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दिए और वो जो वर्किंग मोड में नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखते हैं, पीछे एक काला नॉब है उसको यदि हम वर्टिकल रखते हैं ऐसे तो ऑन हो गया। ये घुमाते हैं क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, दोनों तरफ से घूमता है। ट्रांसपोर्टिंग मोड में तब रहता है जब वो हॉरिजॉन्टल रहता है क्षैतिज। इस तरह से यदि है तो क्षैतिज है, फिर ट्रांसपोर्टिंग मोड में है, ले जाना हो कहीं, लाना हो यहां से उठा के वहां रखना हो तो ट्रांसपोर्टिंग मोड में। लेकिन जब हमको शुरू करना है मॉक पोल या एक्चुअल पोल जो भी, तो उसको हम वर्किंग मोड में, वर्टिकल मोड में ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और सीधे खड़ा करते हैं तो ऑन हो गया ये। अब जब कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करते हैं, रियर साइड में पीछे की ओर होता है, उसको खोलते हैं जब, ऊपर की ओर करने पर ऑन होता है। कंट्रोल यूनिट को जब स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर की ओर करेंगे, ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो कंट्रोल यूनिट पर दो तरह के लैंप होते हैं, एक बिजी लैंप रेड और एक ग्रीन लैंप। जो ही ऑन करेंगे कंट्रोल यूनिट का जो ग्रीन लैंप है वो ये प्रदर्शित करेगा कि ऑन हो गया, और जो ही ऑन करेंगे ये वर्किंग मोड में वीवीपैट है, इससे सात पर्चियां गिरती है। उन पर्चियों के द्वारा वेरीफाई होता है वीवीपैट का जो फंक्शन है, सात पर्चियां। अब यदि ऑन नहीं करेंगे तो पर्ची नहीं गिरेगी, इसलिए बहुत सावधानी की बात रहती है कि कंट्रोल यूनिट ऑन करने के पहले हम वीवीपैट को वर्किंग मोड में ला दें, सात पर्चियां गिरेंगी। अब मॉक पोल शुरू करने से पहले यह आश्वस्त करना जरूरी है कि इसमें पहले से वोट रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए हम चाहे तो क्लियर बटन सीधे दबा के देख सकते हैं कि क्लियर है कि नहीं। यदि क्लियर बटन दबाने पर कंट्रोल यूनिट पर इनवैलिड मैसेज आता है, इसका मतलब कि जो सीक्वेंस है हमारा, जो क्रम है हमारा, बटन जिसको हम सीआरसी कहते हैं कि क्लोज रिजल्ट और क्लियर, वो क्रम से नहीं हुआ है उसका फंक्शन। क्लियर दबाने के बाद इनवैलिड बताता है तो हम लोग क्रम से दबाते हैं। ऐसे एक धारणा ही बना लिए हैं, पहले क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज दबाने के बाद वो जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बीप की आवाज आती है, अपना डिस्प्ले करता है, क्लोज बटन दबाने के बाद रिजल्ट दबा के देख लेते हैं, पहले से फुल वोट रिकॉर्ड हो तो दिखाएगा। इसके बाद क्लियर बटन दबाते हैं, हर एक बटन दबाने के पहले जो उसका फंक्शन है, जो मैसेज है, डिस्प्ले होता है, उसको पूरा हो देने चाहिए, इसके बाद हम अगला बटन दबाते हैं। तो यदि इनवैलिड दिखाया तो क्लोज रिजल्ट और क्लियर दबा के आश्वस्त हो लेंगे कि पहले से वोट रिकॉर्ड इसमें नहीं है। आज इसके बाद हम अपना मॉक पोल शुरू करते हैं। मॉक पोल में यह है कि मिनिमम 50 वोट रिकॉर्ड करने हैं, चाहे कैंडिडेट 5 हो 10 हो, यदि
10 ही कैंडिडेट हैं तो सबको पांच पांच वोट रिकॉर्ड करके बराबर, क्योंकि गिनने में आसानी रहेगी, और हम 50 वोट कास्ट करते हैं। अब आती है बात कि 50 से अधिक हो जाए, 60 अभ्यर्थी हैं तो सबको एक एक देकर लेकिन 60 वोट रिकॉर्ड करेंगे हम, क्योंकि हमको देखना है कि हर जो बटन है, बैलेट बटन जो है जिस पर वोट रिकॉर्ड किया जाता है, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो 50 मिनिमम, अधिक से अधिक कैंडिडेट के अनुसार उसको हम बढ़ाते जाते हैं। पांच भी कैंडिडेट हैं तो 10-10 लेके 50 करते हैं, 50 से अधिक चाहे जितना कर लें। तो मॉक पोल के लिए जब हम लोग ये ऑन कर लिए, कनेक्शन कर लिए, ऑन कर लिए, तो कंट्रोल यूनिट पर दाएं साइड में बैलेट बटन एक होता है, बैलेट यूनिट में बैलेट बटन, जब प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट बटन को पुश करेंगे, दबाएंगे, तो यह कंट्रोल यूनिट अब बिजी हो जाता है, रेड लैंप जलेगा और बैलेट यूनिट रेडी हो जाता है वोट कास्ट के लिए। बैलेट यूनिट पर ग्रीन लैंप जलेगा, पता चल जाता है कि रेडी, आप कोई भी पोलिंग एजेंट अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी पर वोट रिकॉर्ड करेंगे और वेरीफाई भी करते रहेंगे वीवीपैट में कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट किया वही पर्ची इसमें से कट के गिर रही है कि नहीं। बारी बारी से अपनी इच्छा के अनुसार जो भी डालना चाहे, प्रत्येक पोलिंग एजेंट डाल सकते हैं, उनके अनुपस्थिति में पोलिंग अफसर भी कर सकते हैं वोट, जो भी हो। इस तरह से अपने निर्धारित संख्या में वोट कास्ट करते हैं, पर्ची को वेरीफाई करते जाते हैं, और जब 50 की संख्या में हमारा वोट रिकॉर्ड हो गया तो क्लोज बटन दबाते हैं कंट्रोल यूनिट में। क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन जो बात की है, हम क्लोज बटन दबाते हैं, उसके बाद फिर हम वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लोज बटन दबा दिए, वो भी बताता है कि टोटल पोल्ड वोट कितने, क्लोज बटन जब ही दबाएंगे हम टोटल कैंडिडेट कितने, टोटल पोल्ड वोट कितने, एंड जब आएगा तो हम लोग मिला लेते हैं कि कितना वोट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, चूंकि नोट किए रहते हैं किस कैंडिडेट को इतना, इस कैंडिडेट को इतना, इस कैंडिडेट को इतना, एक पेज पर एक मतदान पदाधिकारी नोट करते रहेंगे, पर्ची भी मिला लेंगे, जितना वोट कास्ट हुआ उतनी पर्ची है कि नहीं, जिस अभ्यर्थी को जितना वोट दिया गया उस अभ्यर्थी की पर्ची उतनी है कि नहीं, और ये टोटल बटन दबाने पर भी बताया कि नहीं टोटल कितना हुआ, तो टोटल वोट कितना बताया कंट्रोल यूनिट से, टोटल पर्ची कितनी है, और हमने जो नोट किया है कि टोटल वोट इतना है इस अभ्यर्थी को इतना, टैली कर जाने के बाद आश्वस्त हो जाते हैं हम लोग कि मशीन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, वोट जिसको दे रहे हैं उसी को वोट जा रहा है। ये आश्वस्त होने के लिए मॉक पोल है, और एक्चुअल पोल के पहले हम भी परफेक्ट हो जाएं कि एक्चुअल पोल के समय कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक एक सवा घंटा का मौका दिया गया है। बहुत काम करता है बढ़िया, चुनाव आयोग का ये जो निर्देश है मॉक पोल करा के देखना है, एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए सहायक मार्गदर्शन है। यहाँ यदि कोई त्रुटि होती है तो फिर हम सुधार लेते हैं, एक्चुअल पोल हम शुरू कर दिए वहां कुछ गलती हुई तो परेशानी होती है, इसलिए एक सवा घंटा में हम लोग बहुत पहले ट्रेनिंग तो लिए ही है, लेकिन वहां असली प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं मॉक पोल में, आश्वस्त हो जाते हैं। अब दिन भर चुनाव कराने के लिए, मतदान कराने के लिए कोई हिचक नहीं रह जाती, अच्छी प्रक्रिया है। और मॉक पोल जब करा लिए हम तो इसका एक सर्टिफिकेट देना होता है, चाहे जिस रूप में हो, जो भी प्रपत्र मिलता है उस प्रपत्र में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, दिए गए वोट। तो एक जो भी प्रपत्र है मॉक पोल का, उसमें हम अपना इसको रिकॉर्ड करेंगे, हस्ताक्षर की जगह है तो एजेंट का हस्ताक्षर कराएंगे, मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर करा लेंगे, मॉक पोल का हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा।
चाहे जिस रूप में हो, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जैसे भी हो, मॉक पोल का हमें डाटा तैयार कर लेते हैं कि कितना हमने मॉक पोल किया, उस पर टाइम भी भरना होता है, मॉक पोल का कितने बजे संचालित किया, तो ये सब रहता है अपना। अब हमने जो मॉक पोल क्लोज करके टोटल बटन देके ये सब जांच कर लिया, तो हमको अब क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि क्लोज दबाए हैं, रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट भी दबाए हैं, तो अब बाकी रह गया है क्लियर बटन। यदि क्लियर नहीं दबाएंगे, बहुत सावधानी की जरूरत रहती है वहां, इसलिए प्रमाण भी लिखना रहता है। वोटिंग के दौरान एक अलग से चेकलिस्ट भी होता है, पीठासीन अधिकारियों के लिए एक चेक मेमो है कि क्या क्या हमने काम कर लिया है, उस पर भी निशान लगाए रहते हैं ताकि कोई स्टेप भूले नहीं। तो मॉक पोल को जब क्लियर कर देते हैं हम,